Let's continue our lesson, our changing earth. According to an estimate, 1 million earthquakes are recorded every year. कहते एक estimate के according अनुमान हम लगाते हैं तो 1 million earthquake हर साल आते हैं अर्थ पर. इंडिया में भी बहुत सारे earthquakes आते हैं हिमालय रीजन में. The Deccan Plateau was considered relatively safe from earthquakes as it has experienced some earthquake of low intensity only. अब जो अर्थ का हमारे जो इंडिया का दक्कन प्लेट्यू है उसे हम सेफ कह सकते हैं अर्थक्वैक से, क्योंकि वहां पे बहुत ही लो इंटेंसिटी के अर्थक्वैक्स आते हैं, यानी जिन्हें रिचर्ड स्केल पे हम 1 या 2 पे मेजर करते हैं. येट इट लेटर एक्सपीरियंस अ मेजर. हाँ, फिर भी इसने क्या कह रहा है कि ये 1993 पे बहुत बड़ा यहाँ पे अर्थक्वैक आया था दक्कन रीजन में. गिवन बिलो कुछ डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वैक जो इंडिया में आए हैं. 1991 में आया था उत्तरकाशी जो उत्तराखंड में है. 1993 में लातूर महाराष्ट्र में. 97 में जबलपुर मध्य प्रदेश में. 99 में चंबोली उत्तराखंड में. 2001 भुज का गुजरात का, ये बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था. एंड 2005 में जम्मू कश्मीर में. अब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वैक. अर्थक्वैक फ्रिक्वेंटली अकर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. कहते हैं अर्थ के अलग अलग पार्ट पे अर्थक्वैक आते ही रहते हैं. मोर फ्रिक्वेंटली कुछ एरियाज में तो लगभग आते ही रहते हैं. तो 3 बेल्ट्स हैं जो अर्थक्वैक प्रोन है, मतलब यहाँ पे अर्थक्वैक आते ही रहते हैं. सरकम पैसिफिक बेल्ट. अब ये बेल्ट क्या है, इस बेल्ट में एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ अमेरिका और कोस्टल मार्जिन ऑफ नॉर्थ अमेरिका. 65% ऑफ द टोटल अर्थक्वैक ऑफ द वर्ल्ड अक्कर इन दिस बेल्ट. यानी इन 3 जगहों पे अर्थ पे जितने भी अर्थक्वैक आते हैं 65% यहीं आते हैं. और यहाँ पे ही देख लो आपका पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी है, क्योंकि अर्थक्वैक आने का एक सबसे बड़ी वजह वॉल्केनो भी होता है. ठीक है ना, अर्थक्वैक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वॉल्केनोज. तो यहाँ पे वॉल्केनोज भी इरप्ट होते रहते हैं जिनकी वजह से यहाँ अर्थक्वैक भी आते रहते हैं. अब मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, ये वही नॉर्थ एंड ईस्टर्न अफ्रीका, एल्पाइन माउंटेन्स, हिमालय एंड मेडिटेरियन सी. अब 25% ऑफ द सिस्मिक इवेंट्स अक्कर इन दिस बेल्ट. इस बेल्ट में 25% होते हैं. और ये थोड़ा सा वो भी एरिया है जहां पे आपके डॉर्मेंट वॉल्केनोज हैं. मिड अटलांटिक रिज बेल्ट. दिस पर्टिकुलर बेल्ट इंक्लूड मिड अटलांटिक रिज एंड एडजॉइनिंग आइलैंड. मिड अटलांटिक रिज है और उसके आसपास के आइलैंड्स हैं. यहाँ पे मॉडरेट अर्थक्वैक्स रिकॉर्ड किए गए हैं, ना तेज ना लो, ना हाई ना लो. दीज आर कॉज ड्यू टू द मूविंग टेक्टोनिक प्लेट्स इन अपोजिट डायरेक्शन. अब इस एरिया में जहां यहां अर्थक्वैक आते हैं, इसके नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, लेथोस्फेरिकल प्लेट्स हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं एक दूसरे से, जिनकी वजह से यहां अर्थक्वैक्स आते हैं. अब इंडिया में देखो अर्थक्वैक कहां कहां से आते हैं. गंगा ब्रह्मपुत्र वैली में और हिमालय रीजन में. अबाउट 2/3 ऑफ द एरिया इन इंडिया इज प्रोन टू अर्थक्वैक. यानी अर्थ अगर इंडिया के 3 हिस्से कर दिए जाएं बराबर बराबर, तो 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में जो है अर्थक्वैक आते ही रहते हैं. ये देखो क्या डिस्ट्रक्शन हुआ था जब भुज में अर्थक्वैक आया था गुजरात में, जितने घर हैं सब खत्म. बहुत 7.7 ऑन रिचर स्केल पे आया था ये 2001 में गुजरात में. ठीक है, कहते लास्ट 50 इयर्स में ऐसा अर्थक्वैक नहीं आया जो भुज में 2001 में आया, सब बर्बाद कर दिया उसने वहां.